आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा, सफर इश्क का भाग 52। दीवान परिवार में जहां आगामी खुशियों की तैयारियां हो रही थी, वहीं अपने गिरते बिजनेस को संभालने में अरुण दिन शाम तक भी अपने ऑफिस में डाटा एनालिसिस में लगा था। समय इतना कम था कि वह लगातार मीटिंग पर मीटिंग करता अपनी रणनीति पे काम कर रहा था। वहीं आकाश ऑफिस से निकलकर मेंशन जा रहा था, तभी कोई कॉल आते वे एकदम से हड़बड़ा गया और ड्राइवर को होटल चलने को कहता है। उस वक्त आकाश के हाव भाव में डर और संशय के मिले जुले हाव भाव थे। होटल के पोर्च पर कार के रुकते वे तूफान की गति से कार से उतरता हुआ अपने स्वीट रूम की तरफ भागता है। सब हैरान उसे इस तरह भागते हुए देख रहे थे, पर कोई नहीं इसके कारण को पूछ सका। आकाश को ऊपरी मंजिल में पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि वह लिफ्ट के लिए भी ना रुक सका और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ वे वहां पहुंच गया। वे एक झटके में उस रूम का दरवाजा खोलता है। उसकी नजरों के सामने उसके ही सोफे पे पसरा सामने की मेज पर पैर चढ़ाए विवेक बैठा था। आकाश के पीछे पीछे आता हुआ उसका नया मैनेजर गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, सर मैंने इन्हें आपके आने पर रुकने के लिए कहा पर ये नहीं माने, फिर मेनका मैम के हस्बैंड है तो मैं कैसे रोक सकता था। ये सुनते ही आकाश की आंखों में जैसे कोई दबी चिंगारी भड़क उठी। वे उस मैनेजर की ओर बिना देखे उसे हाथ से जाने का इशारा करता है। मैनेजर भी चुपचाप जाते हुए दरवाजा बंद कर देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हो क्या, क्या है तुम्हारी औकात, आकाश दांत पीसते हुए कहता है, जिसे विवेक पिछली तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहने लगा, अभी तुम्हारा मैनेजर बोल कर गया है, लगता है सही से सुनाई नहीं देता, पर कागजी कान तो पढ़ने आते हैं ना तुम्हें, वो शादी नहीं धोखा है, शादी पूरी तरह से लीगल है, इसे चाहकर भी तुम इलीगल साबित नहीं कर सकते, कमीने। आकाश खींचता हुआ एकदम से उसके पास आता, उसका गिरेबान पकड़ता हुआ चीख उठा, तुम्हें ये खेल बहुत महंगा पड़ेगा, बंद करो ये सारा नाटक, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, जितना चाहोगे उतना दूंगा। आकाश के स्वर में विनती और घृणा के मिले जुले भाव थे। विवेक आकाश के हाथ झटकता उसका चेहरा गौर से देखता हुआ कहता है, बिल्कुल यही स्वर मैं तुम्हारे मुंह से सुनने को बेताब था, लेकिन तुम्हारे स्वर में अभी भी पूरी तरह से विनती नहीं है। आकाश तेजी से झुंझला उठता है, अब मेरी बहन मेरे पास है तो तुम चाहकर भी उसके पास फटक नहीं पाओगे, जब वो तुम्हारा सच जानेगी कि तुमने पैसों के लिए उसे शादी की तो वो तुमसे नफरत करेगी, और रही बात इस शादी की तो चुटकियों में मैं इसे खत्म करा दूंगा। चुटकी बजाते हुए आकाश कहता है, तो बता दो उसे सारा सच। ये सुनते आकाश कुछ पल के लिए असहज हो जाता है। उसे इस तरह बगले झांकते देख विवेक आगे कहता है, वैसे कोशिश करके देख लो, लो बात करा दूंगा उससे। कहता हुआ वे अपना मोबाइल उसकी नजरों के सामने करता है, जहां मेनका का नंबर शो हो रहा था। ये देखते आकाश हैरानगी से उसे देखने लगा, उसे इस तरह से मैंने अपने मुंह पाश में बांध लिया है, क्या वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी, मेरे कहने पर ही वो वापस गई है, और जब चाहूंगा तब उसे अपने पास बुला सकता हूँ, क्या टेस्ट करना चाहोगे। आकाश मौन उसके पास खड़ा रहा। विवेक अब उसके सामने आस पास घूमता हुआ कह रहा था, तुम्हें तो पता है ये लड़कियां प्यार में कितनी बेवकूफ होती हैं, थोड़ा प्यार व्यार खेल लो तो अपना सब कुछ लौटा देती है, पता है ना तुम्हें। अरे हाँ, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता होगी कि लड़कियों का बस इस्तेमाल करो और। विवेक बेहद नफरत से आकाश की ओर देखता अपनी बात जानकर अधूरी छोड़ देता है। उसके सामने खड़े आकाश के होश पूरी तरह से उड़े हुए थे। वह हथेली से माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम उसे प्यार करते हो, तुमने शादी की है। प्यार और शादी दोनों चीजें तुम्हें समझ में आती है क्या। देखो विवेक, ये सब बंद करो, तुम मुझसे क्या चाहते हो वो बताओ, मेरी बहन को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। छोड़ूंगा, बस कुछ रातें और बिता लूं। विवेक अब के फिर गुस्से में आकाश उसका गिरेबान पकड़ने वाला था, पर उससे पहले ही वह उसका हाथ झटक देता है, जिससे वह गिरते गिरते बचता है। अभी तो उसे यह सौदा कात देनी बची है, जिसे ताम्र वो मुझे याद रखे। कहते विवेक अपनी पॉकेट से शीशी निकालता हुआ उसकी आंखों के सामने लहराता है, तुम क्या करने वाले हो।
आकाश उस एसिड की शीशी को दहशत से देखने लगता है। विवेक जहरीली हंसी से कहता है, तुम्हारा जाना पहचाना औजार है, लेकिन ये वैसा नहीं है, बल्कि उससे भी तेज है। दांत भींचे हुए वे कहता रहा, ये सिर्फ ऊपर की चमड़ी ही नहीं जलाता, बल्कि अंदर की हड्डी और उसके अंदर की नस नस तक में अपना निशान छोड़ देता है। सोचो, मेनका की नर्म मुलायम त्वचा इसे कैसे झेलेगी? विवेक आकाश आंखों के सामने नाचती शीशी झटके से नीचे गिरा देता है। शीशी फर्श पर गिरते ही टूट जाती है। आकाश उसे दहशत से देखने लगता है। तुम्हें क्या लगा मैं असली का तुम्हारे सामने लाऊंगा? असली तो बस असल वक्त के लिए रखा है। तुम अब कुछ नहीं कर सकते, ना अपना सच बताकर मेनका को रोक सकते हो और ना मुझे उससे मिलने से तुम रोक पाओगे। ये सुनते आकाश की आंखें भय से फैलकर दोगुनी हो जाती है। वे घबराया सा गिड़गिड़ाने लगता है। देखो विवेक, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जगह ने किया। मैंने तारा के साथ ऐसा करने को उसे कुछ नहीं कहा था। यकीन करो, वो हमेशा गड़बड़ कर देता है। तुम यकीन करो मेरा। सच में मैं भी मेनका को बिल्कुल भी बहाने से नहीं बुलाऊंगा और ना उसकी औरतें झाप फेंकूंगा, यकीन करो मेरा। कहता हुआ विवेक अब वहां से जाने को होता हुआ तो फिर आकाश की ओर मुड़ते हुए कहता है, तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो अपना सच कबूल कर लो या तैयार रहो मेनका की वही हालत देखने जो एक भाई अपनी बहन को कभी नहीं देख सकते। अपनी बात बेहद नफरत से कहता हुआ विवेक वहां से चला जाता है और पीछे खड़ा आकाश हताशा से उसे जाता हुआ देखता रहा। कहीं दिल जला तो कहीं मन दिल जला हो उठा। सिंदूरी शाम का आंचल सरका कर रात लहकती हुई चली आई। जब अरुण थका सा ऑफिस लौटा, हर बार वे कितनी भी देर से लौटता तब हर बार वो खास चेहरा उसका इंतजार करता, उसे मिलता और तब उसके हाथ की चाय उसके लिए कुछ अलग ही नशा होती। वे आधी रात में भी उजला के हाथ की चाय को कहता तो आने का इंतजार करता और उसके दिल को किरण का इंतजार था, वो भी बेइंतहा शिद्दत से। उसके चाय की आदत के कारण उसके आते ही आज जिगना चाय का कप लेकर उसके कमरे में पहुंचा। एक पल को आहट पाते अरुण तुरंत पलट कर देखता मुस्कुरा उठता है। पल भर को उसके मन को भ्रम हो गया था कि कहीं वो तो नहीं। अब तो उसे उजला नाम के साथ भी याद भी नहीं करना, बस वो चेहरा उसका अपना था जिसका नाम अब वे उसके सामने किरण लेके पुकार सकता था। अरुण बेख्याली में लगातार जिगना की ओर देखता अपने ख्याल में खोया था। इससे असहज होता जिगना फिर चाय उसकी ओर बढ़ाता हुआ उसे टोकता है, छोटे मालिक चाय। सामने जिगना को देखते अब उसके चेहरे की मुस्कान एकाएक गायब हो गई, जिससे वे गहरी सांस छोड़ता हुआ कहता है, ले जाओ, छोड़ दी है चाय। ये सुनते जिगना कुछ पल तक खड़ा इस बात पर खुद को विश्वास दिलाता रहा, फिर पलट कर वापस चला गया। उस रात की तन्हाई में वे आंख बंद किए अपने आसपास को अंतरस महसूस कर रहा था। आखिर उस कमरे में किरण की मौजूदगी का एहसास जो था, उसके द्वारा उसकी सहेजी गई कबर्ड के कपड़ों में उसका स्पर्श कहीं छूटा हुआ था तो बैठ के सिरहाने रखा पिछली रात का कप उसने हटाने ही नहीं दिया। ये देखते वे मन ही मन मुस्करा लिया। बेचैनी का कुछ कुछ वैसे ही आलम किरण पर भी गुजर रहा था। आधी रात वे चाय चढ़ाए उसके सामने खड़ी थी, उसे पुकारती भी आती सरंगी किरण को देखती रह गई। जाने कहाँ खोई थी कि सरंगी के हिलाते हुए जैसे होश में आती उसे औचक देखती रह गई। ये किसके लिए चाय बना रही हो दीदी? चाय ना बाबूजी पीते हैं और ना आप, फिर किसके लिए चाय बना रही हो? वो कहती कहती किरण एकाएक खामोश होती तुरंत गैस ऑफ करके जाने लगती है। इस पर सारंगी कंधे उचकाती उसके पीछे पीछे चल देती है। आधी रात के उदास चांद को देखते उन दो जोड़ी आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था, बस एक उदास इंतजार छुपा था उनकी आंखों में। बहुत देर से मुंडेर पर खड़ी किरण चांद निहार रही थी। उसे इस तरह जागता देख सारंगी भी उसके पास आ गई। फिर आपस में इधर उधर की बातों के बाद वे अब जो बता रही थी उसे किरण बड़े ध्यान से सुनने लगी। वो जो आपका रात वाला महिलाओं का स्कूल था ना, अरुण बाबू ने उसे पूरा पक्का करा दिया और अब ना वहाँ एक टीचर भी रोजाना आने लगी है। कल दिन में दिखाऊंगी आपको, और गौरा गोपू और तमा का घर आप देखोगी तो पूरी तरह से हैरान रह जाओगी।
और अब तो वो हर महीने उनको देखने डॉक्टर भी आता है, वो जानवर वाला डॉक्टर होता है ना, वही। इस पर किरण बस हौले से मुस्करा देती है। पता है दीदी, वे तो इस घर की ऐसी देखभाल करते थे जैसे कोई अपने घर की करता है। वे जब भी इस घर में आते तो हमेशा खामोशी से दो पल तक घर को निहारते रहते, जैसे उम्मीद कर रहे हो कि अभी आप उस कमरे से निकलोगी, निकल कर आओगी। काश आप यहाँ पहले यहाँ होती। ये सुनते ही किरण की आंखों में वे दृश्य घूमर आया, जब उसे लगता कि अरुण उसे उजला समझ कर निहार रहा होता। उस पर उसका मन खुद से शिकायत करने लगता कि वे क्यों नहीं समझ सके अपने सामने मौजूद प्यार को, क्यों उसने उस वक्त को इतनी बेरहमी से गुजर जाने दिया। अब ये सोचते उसका दिल एक आह छोड़कर रह गया। समय न किसी के रोके रुका है और न किसी के कहते दौड़ गया। समय के पंख नहीं होते, वे तो इरादतन चलता रहता है। रात के बीते अब सुबह आ गई और वे दो बेचैन दिल बस अभी अभी नींद की आगोश में सोए थे। रात में देर में आने से भूमि अरुण से न मिल सकी और अभी उसे सोया देख उसे जगाने का उसका मन नहीं हुआ। उसे पता था कि वे काफी देर रात लौटा था। उसे सोया देख मुस्कुराती हुई भूमि अब उन सारी तैयारियों को देखने लगी जो शगुन का सामान उसे किरण को यहाँ ले जाना था। दादाजी हैरान सारा कुछ देखते कहने लगे, बस एक रात भर में बहू तुमने इतना सब तैयार कर लिया। हाँ देखिए ना दादाजी, कहीं कोई कमी तो नहीं। बस किरण के बाबूजी झटपट विदाई के मुहूर्त पर राजी हो जाए, फिर देखिएगा घर की सारी बागडोर ना उसी के हाथ सौंप दूंगी, तब उसी से पूछकर मेंशन का सारा काम होगा। वैसे भी उजला के रूप में वो हमारा दिल तो पहले ही जीत चुकी है। दादाजी इस पर मुस्कुराते हुए कहने लगे, और मैं तो उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ जब दोनों बहुओं से गुलजार हो जाएगा ये घर, फिर बस चार धाम की यात्रा पर निकल जाऊंगा। सब खुश थे और उसी उमंग में झूमते सुबली गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भूमि नौकरों को निर्देश देती गाड़ी में सामान रखा रही थी। कुछ देर में ही मन की ढेर उमंग के साथ वे दादाजी के साथ सुबली के लिए निकल पड़ी। कहीं करार की उम्मीद थी तो कहीं बेचैनी का सबब। मेनका जाने कितनी देर से विवेक को कॉल लगा रही थी, पर एक बार भी उसने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। आखिर एक आखिरी उम्मीद की तरह वह उसका कॉल रिसीव कर ही लेता है। उधर से विवेक की भूखी बेजान आवाज पर भी मेनका जोश से कहने लगी, तब से कितना कॉल किया, क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा फोन। इस पर विवेक खामोश बना, बस मोबाइल लिए रहा। मेनका के लिए यही बहुत था कि विवेक ने उसका कॉल अभी तक काटा नहीं, जिसे वे जल्दी से पूछने लगी, दीदी का कुछ पता चला? नहीं। ओह, जाने कहाँ होंगी, तुम पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट लिखा देते, शायद इसे भी मिल जाए। नहीं कर सकता ऐसा मैं, खींचते हुए विवेक कहता है। अब कुछ पल तक उनके बीच खामोशी छाई रही, पर न विवेक ने कॉल काटा न मेनका ने ही, बस आर पार जाती सांसों को वे पूरी खामोशी से सुनते रहे। अब जैसे उनके शब्द कहीं उनके मौन बात कर रहे थे। मेनका मौन ही विवेक से कह रही थी, मुझे नहीं पता कि मुझसे दूर रहकर तुम्हें क्या हासिल हो गया, पर मेरा तो जैसे सारा जहां ही चला गया। बस तुम्हारी दी हुई अपनी बेगुनाही की सजा को चुपचाप सह रही हूँ, काश किसी दिन तुम्हें मेरी बेगुनाही पर तरस आ जाए। अचानक बीच की खामोशी तोड़ते विवेक कहता है, अब फोन रखता हूँ, जाना है कहीं। हाँ चले जाना, पर दो पल बात तो कर लो। मेनका की दर्द भरी आवाज पर विवेक रुखाई से कहता है, बोलो। ये सुनते ही बस उसका दिल टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर गया, पर क्या कहती बस दिल मसोजे रह गई। जल्दी बोलो विवेक, तुम एक बार अरुण भैया से मिल लो, वो जरूर दीदी को खोजने में तुम्हारी मदद कर देंगे, फिर तुम्हें रिपोर्ट भी लिखाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, प्लीज विवेक एक बार मेरे कहने पर मिल लो, मुझे उम्मीद है वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बोला ना, विवेक की बात बीच में काटते हुए मेनका कहने लगी, बस एक बार तो अपनी लोकेशन भेजो मेरे खातिर। इस पर विवेक कुछ नहीं कहता, बस धीरे से कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इससे मेनका को बहुत बुरा लगता है। वे अभी अपनी सोच में बैठी ही थी कि मैसेज टोन से उसका ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है और अगले पल उसका चेहरा खिल उठा। विवेक ने अपनी लोकेशन आखिर उसे भेज दी थी। रंजीत आश्चर्य से अपने उस कर्मी को देख रहा था जो सुबह सुबह ही उससे मिलने आ पहुंचा था। अब एक एकांत कमरे में वे अपने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी नजरों के सामने करता हुआ कहता है, सर ये देखिए
मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा ग्राफ नहीं देखा। मार्केट में दिवांश के इतने कम दाम के शेयर होने पर भी इनकी ग्रोथ रेट देखिए, अभी भले ही आपको कम दिखे पर लगातार ऊपर को ग्रो कर रही है। रंजीत भी अब अपनी नजर उस सीन में गड़ा देता है। वे आगे कहता है, और ये सब कर रहे हैं मिस्टर अरुण दीवार, मैंने सब पता कर लिया। वे खुद जाकर डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियर सबसे मिल रहे हैं। वे इतनी तेजी से सब काम कर रहे हैं जैसे 30 दिन का काम 30 घंटे में ही कर देंगे। समझिए वे तो भाग रहे हैं इस रेस में। वे हड़बड़ाया सा सब कहता जा रहा था और रंजीत अब टहलते हुए जैसे कुछ सोच में डूबा था। वे धीरे से एक कहना शुरू करता है, भागने वाला नहीं देख पाता कि उसके पैरों तले कितने कांटे हैं, उसके आगे इतने रोड़े बिछा दो कि अब भागना तो दूर उसके लिए चलना भी दुश्वार हो जाए। कुछ भी करो बस उसे रोको, किसी को भी खरीदना पड़े उसे खरीद लो, पर उसका बनता काम बिगड़ना चाहिए। उसके आगे मुश्किलों के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े कर दो कि उसका अस्तित्व उसके आगे बौना रह जाए। जाओ और अब से कोई मनहूस खबर लेकर मत आना मेरे पास। कहते कहते रंजीत की आंखों में अंगार जल उठे। ये देखते हुए कर्मचारी थोड़ा हड़बड़ा गया, फिर वह घबराता हुआ वहां से उठकर चला जाता है। जी सर, मैं ऐसा ही करूंगा। वह तुरंत ही अपना लैपटॉप समेटे उतनी तेजी से बाहर चला जा रहा था जितनी तेजी से वह अंदर आया था। समुद्र किनारे बसा सुवली गांव समुद्री हवा और बादलों की आवाजाही से गुलजार था। आज सुबह से ही बादलों का जमावड़ आसमान में बनने लगा था। काले गुलाबी बादल मिलकर आसमान में कुछ अलग ही छटा बनाए थे। मनोहर दास और किरण अपने घर के बरामदे में बैठे, जहां वे अखबार में गुम थे वहीं किरण की नजर आसमान के बिखरते रंगों पर थी। आज आसमान कुछ ज्यादा ही रंगों से घुला हुआ नजर आ रहा था। किरण भी उसे यूं गौर से देख रही थी मानो अपनी पसंद का रंग उसमें खोज रही हो। उसे देखकर कोई भी कहता कि वह कितनी खामोश है, और उसका मन तो कहीं गुनगुनाता विचरण कर रहा था। उसकी हथेली में इस समय मोगरे के कुछ फूल थे जो हवा संग उड़ते उसके आसा पहुंचे थे। अब उन्हें अपने से स्पर्श करे वे अपनी पलकें झपका लेती है, क्योंकि कोई अदनी सी बूंद अब उसके माथे को चूमती उसकी पलकों पर बिखर गई थी, जिससे चीखती हुई वे कहती है, बाबूजी लगता है बारिश आएगी, चलिए आप अंदर आराम करिए। वे भी अखबार चेहरे से हटाते हुए आसमान को एक नजर देखते हुए कहते हैं, हाँ लग तो रहा है पर अभी यहीं बैठने का मन है बेटी। तो ठीक है, मैं आपके ओढ़ने के लिए चादर ले आती हूँ। कहती हुई जो किरण उठने लगती है वे उसे टोकते हुए कहते हैं, अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है बाबूजी, आपको ठंड लग जाएगी, मैं अभी आती हूँ। कहती हुई वे उठकर अंदर चल देती है। अभी उस पल के एकांत में मनोहर जी फिर अखबार खोलते ही थे कि एक आवाज पर उनका ध्यान बाहर की ओर चला जाता है। वहां का दृश्य देखते ही वे कुछ असहज हो जाते हैं। बरामदे से दिखती बाहर की सड़क पर कई चमचमाती कारें एकाएक आकर रुकी हुई थी। उसमें से निकलते कुछ लोग हाथों में कहीं उपहार जैसे लाते उन्हें दिख रहे थे। वे जब तक बात समझते तब तक एक अन्य कार से भूमि और दादाजी उतरते हुए उन्हें दिखते हैं। हालांकि वे भूमि को पहली बार देख रहे थे पर उसका दादाजी के साथ आना उसका औहदा अच्छे से बता रहा था। भूमि वहां आते ही मनोहर दास के चरण स्पर्श करती हुई हाथ जोड़े हुए कहती है, मैं भूमि हूँ बाबूजी। वे उस वक्त उसकी गरिमा और सौम्यता को इतना अवाक हुए देखते रह गए कि बस मौन ही आशीर्वाद में हाथ उठा सके। पीछे से दादाजी को हाथ पकड़कर लाता मोनू उन्हें एक अन्य कुर्सी पर बैठा देता है। उन्हें देखते हुए होश में आते तुरंत उन्हें प्रणाम करते हैं। इसे दादाजी मनोहर दास से कहने लगते हैं, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, अब कैसा स्वास्थ्य है। वे भी धीरे से उत्तर देते हैं, पहले से काफी बेहतर हूँ चाचा जी। वे दो पल तक एक दूसरे का हाल लेते जैसे उस वक्त की भूमिका तलाश कर रहे थे, पर भूमि को अपनी बात कहने की असब्र हुई जा रही थी। वे आंखों से किरण को खोजती मुस्कुराती हुई कहने लगी, हमें इतनी जल्दी आने के लिए माफ करिएगा, पर क्या करें, घर अपनी छोटी बहू के लिए इससे भी ज्यादा बेसब्र है। वे अपनी बात जितना मुस्कुराती हुई कह रही थी मनोहर जी उतने ही आश्चर्य से उसे देखे जा रहे थे। वे आगे कहती है, मैं जानती हूँ अभी आप किरण को अपने से दूर नहीं देखना चाहते होंगे, पर बेटियां कहाँ रोती हैं, बस आज आपसे अपनी किरण को वापस मांगने आई हूँ।
भूमि की बात पर अभी भी हैरान उसे देखते रहे और वे आगे कहती रही, मैं तो पंडित जी को भी साथ ले आती, पर सोचा आपसे इजाजत तो ले लूं, फिर हम पहले मुहूर्त में बस विदाई करा लेंगे। वे आके धीरे से पूछ उठे, मैं समझा नहीं बेटी। मनोहर जी के ऐसा कहते भूमि थोड़ी असहज हो गई। वह जल्दी ही खुद को समेटती हुई कहने लगी, अब जो होना था उस पर हमारा बस तो नहीं चला, लेकिन अब और विलंब नहीं होगा। शादी तो हो ही चुकी है, बस आपसे विदाई की आज्ञा चाहती हूँ, ताकि किरण को उसके अपने घर ले जा सकूं। वही से तो वे वापस आई है। वे इसे इतनी रुखाई से कहते हैं कि उस पल को भूमि अचकचा जाती है। तो वही दादाजी आश्चर्य से कहने लगे, मनोहर अब सब पिछला भूल भी जाओ। देखो गुजरा समय तो हमारे बस में नहीं था, पर आने वाला समय तो हम बदल ही सकते हैं ना। तो क्या बदलना चाहते हैं आप चाचा जी? मनोहर मैं तुम्हारे मन की दशा समझता हूँ, पर अब देखो सब पीछे छोड़कर हमें नई शुरुआत करनी ही होगी और सच को स्वीकारना होगा। कैसा सच चाचा जी? किरण तो उसी घर से वापस आई है, तो अब और क्या चाहते हैं आप? मनोहर जी की बात से दादाजी थोड़े असहज हो जाते हैं, तो भूमि आगे बढ़कर कहने लगती है, मैं आपकी नाराजगी को अच्छे से समझती हूँ और आप सही भी हैं, पर उन सब पिछली बातों के कारण आप दो जीवन को कैसे बिगड़ते देख सकते हैं? आखिर सच तो यही है कि अरुण और किरण की शादी पूरे समाज के सामने पूरे रस्म और रिवाज से हो चुकी है, तो अब बस किरण की विदाई की आप आज्ञा दे दीजिए। और ये भी याद है बेटी कि यही इस जगह पर तुम्हारे पति ने क्या कुछ नहीं कहा था अपनी ही घर की बहू के लिए? इससे वे उसके आगे हाथ जोड़ती हुई कहने लगी, तो आज वही घर आपके आगे झोली फैलाए खड़ा आपसे वही अनुरोध कर रहा है कि पिछला सब भूल जाइए और उस घर की उसकी बहू को वापस दे दीजिए बाबूजी। हाथ तो मैं जोड़कर आपसे धन्यवाद कहूँगा कि आपने मेरी बेटी को अपने घर में शरण दी। मैं सच में इस ऋण का आभारी रहूँगा, पर अब बस यही बात खत्म करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये शादी है, कोई गुजरा पल नहीं जो भूल जाए, भूमि नाराजगी से कहने लगी। बेटी आप जैसा बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, बहुत ही मामूली इंसान हूँ। बस सिवाय एक इज्जत के हमारे पास कोई पूंजी नहीं, हमारी आपकी तो कोई बराबरी ही नहीं, और यही वजह है कि मैं पहले भी इस रिश्ते के खिलाफ था, पर अब ऐसे हालात आ गए कि अब इस रिश्ते को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो पहले भी यही कहता था कि ये बड़ा बेमेल विवाह है और इसका परिणाम देख ही लिया, मैं अब अपनी बेटी को और दुखी नहीं देख सकता। वो घर किरण का ही है, उस घर से अलग रहकर ना वह खुश होगी ना वो घर। तो भूल रही हो बेटी कि वो इतने समय तक उसी घर में थी, अगर उसे वो घर इतना ही अपना लगता तो वे खुद ना बता देती कि वो उजला नहीं किरण है। सोचो और फिर बताओ, क्या इतना विश्वास वो घर जीत सका उसके मन का कि वे खुद आगे बढ़कर अपना परिचय देती? नहीं दे सकी, क्योंकि वहां उसका होना ही सही नहीं था, उस घर में जहां किरण के लिए कोई जगह ही नहीं थी, अचानक आज कैसे इतनी जगह हो गई। तुम्हारे पति ने ही खुद यहाँ खड़े हुए चीख चीख कर पूरे समाज के सामने घोषणा की थी कि वे रिश्ते को अभी इसी वक्त खत्म करते हैं। तो जरा बताओ तुम अब किस रिश्ते की बात कर रही हो? मैं आपसे हाथ जोड़कर सब पिछली बातों के लिए माफी मांगती हूँ। देखिए आज खुद डैडी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन वे खुद तो नहीं आए ना? वे व्यंगात्मक मुस्कान के साथ कहते रहे, पता है तुम बहुत अच्छी बहू हो, पर बेटी आज मैं तुमसे बस यही प्रार्थना करूंगा कि जरा दो पल के लिए बेटी हो जाओ और तब सोच कर कहो कि क्या उसी घर में किरण का जाना सम्मानजनक होगा, जहां उसे अपमान और अविश्वास के सिवा कुछ नहीं मिला। जी बहू हो पर बेटी होना कभी नहीं भूलती, इसलिए समझती हूँ आपका मन, लेकिन आप भी तो समझिए, गुजरा वक्त हम पर भी उतना ही भारी गुजरा है जितना आप पर, इसलिए अब हमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। यकीन मानिए उस घर को अपनी नई बहू का दिल से इंतजार है। आप और हमारी परीक्षा मत लीजिए, पहले ही बहुत उतार चढ़ाव से हम गुजर रहे हैं। भूमि उनके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और मनोहर जी छड़ी का टेक लेते खड़े होते हुए कहने लगे, आप बड़े लोग हम मामूली लोगों के घर आए, यही बहुत आभार है आपका।
बस जलपान जरूर ग्रहण करके जाइएगा, कहते हुए जाते जाते आवाज लगाते हुए कहने लगे, सारंगी बेटी जरा मेहमानों को जलपान तो कराओ। तब से ऊपरी मंजिल पर खड़ी सारंगी और किरण नीचे का सारा हाल देख सुन रही थी। सारंगी तो यूं तड़प उठी जैसे अभी वहीं दौड़ जाएगी और मनोहर जी को मना लेगी। वहीं किरण सपाट हाव भाव से उसके पीछे आड़ लिए खड़ी थी। मनोहर जी को इस तरह उठकर जाते देख भूमि कह उठी, ऐसे हमें निराश करके मत जाइए बाबूजी। ये रिश्ता अब इस मोड़ पर है कि इसे सही मुकाम दिए बिना आपको भी चैन से नहीं आएगा। वे फिर भी नहीं रुकते और उनसे पीट किए जाते रहते हैं, जिससे भूमि आगे कहती रही, आज नहीं तो दो चार दिन बाद आप सोच लीजिए, पर इस रिश्ते से इनकार मत करिए जिसे खुद ईश्वर ने तय किया है। नहीं तो जब दादाजी इस रिश्ते को भूल चुके थे तब अचानक नियति आपको उनसे ना मिलाती। सब कुछ तो वक्त के हाथों हुआ। सोचिए जुदाई भी वक्त ने तय कर रखी थी और आज आपके सामने किरण को मांगने भी इसी वक्त की वजह से खड़ी हूँ। ये शादी से बचपन का खेल नहीं था, अब तो पूरे रीतों रिवाजों और संस्कारों से विवाह हो चुका है। वे किसी से भी कह देने पर से ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता टूट नहीं जाएगा। आपका इनकार दो जिंदगियों को उम्मीद खत्म कर देगा। प्लीज आप एक बार और ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, मुझे बस आपकी हाँ का इंतजार रहेगा। कहते कहते भूमि के स्वर नमी से भारी हो आए थे, पर मनोहर जी एक बार भी नहीं मुड़े। तब भूमि आखिर में धीरे से पूछती है, क्या एक बार मैं किरण से मिल सकती हूँ? ऊपर खड़ी सुनती किरण ये सुनकर आने को होती, पर अपने बाबूजी को मौन देख उसने कदम तुरंत पीछे की ओर कर लेती है और उनकी खामोशी देखते भूमि उनका इनकार समझ जाती है। फिर कुछ पल तक उदासी से उन्हें देखती हुई वे दादाजी का हाथ पकड़े बाहर निकलने लगती है। ये सब देखती जहाँ किरण पूरी तरह से खामोश थी, वही सारंगी अब उस पर बिगड़ती हुई कहने लगी, आप अब भी चुप हैं? अरे आप जाकर बाबूजी को मना लीजिए ना, चुप क्यों हैं? आप कुछ कहती क्यों नहीं? उफ। सारंगी की झुंझलाहट पर किरण हौले से कहती है, जब कल अपने फैसले पर उन्होंने मुझसे नहीं पूछा तो आज उनके फैसले पर क्या बोलूं सारंगी। कहती हुई वे अंदर चली गई और वही सारंगी बुरी तरह से तड़प उठी। वे अब झट से बाहर की ओर भागती है। भूमि भीगे मन से कार की तरफ लौट रही थी। सारंगी जल्दी से उसके पास आती है। उसे इस तरह भागते आते दे भूमि उसे गौर से देखने लगी। सारंगी आ तो गई थी पर कहने को कुछ नहीं था उसके पास। वे आशापूर्ण भाव से उसे देखती रही। तब भूमि हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, किरण से कहना मैंने जो वादा किया था उसे किसी भी हाल में झूठा साबित नहीं होने दूंगी, हम जल्द ही वापस आएंगे उसे लेवाने। कहती है भूमि चली जाती है और सारंगी चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखती रहती है। भूमि के जाते अब वे किरण के पास आती है। किरण अब छत पर आ गई थी। इस समय तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और मुंडेर पर टेक लिए आसमान निहारती किरण चुपचाप खड़ी थी, मानो फिर से आसमान में अपने लिए कोई रंग खोज रही हो। उस पल में सारंगी के पास प्रतिक्रिया को कोई शब्द नहीं था, बस मौन मन के घुमरते बादल थे जो तेज तेज उसके मन में शोर करने लगे थे। उसने न अरुण का हाल छुपा था न किरण का, पर वक्त ने उसे कुछ कहने लायक वक्त ही नहीं दिया था। वे मौन किरण का चेहरा देखती रही जो भीगा हुआ नजर आ रहा था, पर उस पल वे तय नहीं कर पाई कि वे चेहरा आंसुओं से भीगा है या बारिश से। उदासी सिर्फ शब्दों से नहीं, झलकती झुकी हुई आंखें भी अपना हाल खुलकर कह देती है। भूमि जिस तरह चहकती हुई गई थी वे उतनी ही बुझी हुई वापस आई। उसी वक्त अरुण ऑफिस के लिए निकल रहा था। वे एकदम से उदासी से बाहर से आती हुई अपनी भाभी को देखते ही पल भर को सकपका जाता है। वे उनसे कारण पूछने ही वाला था कि भूमि के पीछे से नौकर को भी वापस सामान लाते हुए देखता है। मिठाई के बड़े बड़े सजाव की डिब्बे, मेवो और फल की ऊंची ऊंची टोकरियां अपने आप में गवाह थी कि वे कितनी बेकसी से वापस कर दी गई थी। अब न कुछ पूछने को रहा न भूमि से कुछ कहते बना। अरुण चुपचाप बाहर की ओर निकल गया। भूमि भी मौन खड़ी रह गई। आखिर क्या कहकर रोकती भी उसे? पर जो खामोश नहीं रह सकती थी सारंगी। वो झट से अरुण को कॉल लगाकर कहने लगी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ना एक बार दीदी से मिल लीजिए, अगर उनको कहूंगी तो पक्का नहीं मिलेगी। आप ऐसा करिए सुवली के हनुमान मंदिर आ जाइए, मैं दीदी को भी ना किसी तरह से वही ले आऊंगी,
फिर आप बात करके देखिएगा। कहती नहीं है पर दुखी तो वो भी है। ठीक है, शाम को 5 बजे। जल्दी जल्दी वे सब तय करते सारंगी राहत की सांस लेती है। मिलने और देखने की कितनी उमंग अरुण के मन में भी है, ये कोई उसके मन से क्या पूछेगा। बस घड़ी देखते देखते शाम के 3:30 बजते ही वे सोली के लिए निकल पड़ता है। हालांकि मुश्किल से 40 मिनट का समय लगता था, पर आज वे किसी अनचाहे ट्रैफिक को अपनी मुलाकात की बाधा नहीं बनने देना चाहता था। किसी को बिना बताए वह अकेला ही ड्राइव करता हुआ सुवली के हनुमान मंदिर तक पहुंचा था। अभी घड़ी में वह 4:30 ही हुए थे। अपने इतनी जल्दी पहुंचने पर उसे खुद ही हंसी आ गई। अभी समय काफी था, इसे वह कार में शीशा चढ़ाए बैठा रहा और अपने इंतजार के पल को FM के कान मरोड़ मरोड़ कर किसी तरह से काट रहा था। इधर समय से 10 मिनट पहले ही सारंगी किरण को लिए मंदिर के लिए तैयार थी। किरण उसका इस तरह अचानक मंदिर जाने का प्रोग्राम गले नहीं उतर रहा था। वह सारंगी तो सारंगी है, किसी की सुनती कब थी। लो बताओ, अब आपको मंदिर जाने की वजह भी बतानी होगी। फिर आप पूछोगे अगरबत्ती जलाने की भी कोई वजह होती चाहिए। ऐसा करते हैं, मुहूर्त ही निकलवा लेते हैं, तब चलेंगे मंदिर। सारंगी की मटकती आंखों की जिद समझते हुए किरण आखिर कह उठी, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मंदिर। सारंगी तो ये सोच सोच कर मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी कि अचानक एक दूसरे को देखते उन दोनों का चेहरा उस समय कैसा गुलाबी हो उठेगा। उसे इस तरह चुपचाप मुस्कुराते देख एक बार को किरण उससे कारण भी पूछ उठी, पर सारंगी जल्दी से अपने मनोभाव छिपाती हुई नाम में सर हिला देती है। इस वक्त जहाँ अरुण को किरण का तो सारंगी को उन दोनों की मुलाकात का इंतजार था, वही कोई और भी था जिसे किरण के बाहर आने का इंतजार था। किरण के आने की खबर चुपचाप से मीडिया तक पहुंच चुकी थी, पर अभी तक किसी को इससे संबंधित कोई मसाला नहीं मिला था जिसे वे बड़ी सी खबर बनाकर छाप सकते। इससे वे सब ऐसे ही किसी पल के इंतजार में थे जब किरण उनके सामने आए। अब उनकी न किरण की को खबर थी न अरुण को अंदाजा। अरुण जहाँ बार बार काले शीशे के पार से उस राह को ताक लेता जहाँ से किरण को आना था, तो वही राजवीर कार में उन्हें लिए ठीक मंदिर तक आता है। अरुण की कार मंदिर से कुछ अलग खड़ी थी जिससे किसी की निगाह जल्दी से उस तरफ नहीं जा सकती थी, लेकिन राजवीर कार ठीक मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर रोकता है। अब हाथ में पूजा की थाली लिए किरण और सारंगी जैसे ही कार से उतरकर मंदिर की चौखट पर खड़ी होती हैं, एकदम से मीडिया कर्मियों का एक हुजूम उन्हें पूरी तरह से घेर लेता है। ये सब चारों ओर से उन दोनों को घेरते सवालों की बौछार करने लगते हैं। आप किरण है ना जिनकी शादी अरुण दीवान से हुई थी, फिर आप शादी की रात कहाँ चली गई और अब अचानक से वापस आ गई? क्या आपके प्रेमी ने आपको छोड़ दिया? आप अपने पिता के घर क्यों रह रही हैं? क्या अरुण दीवान ने आपको अपनाने से मना कर दिया है? क्या आपका प्रेमी दीवान से भी ज्यादा रिच है? क्या अब आप अपने प्रेमी के साथ ही थी? किरण इस तरह के सवाल करती मीडिया की भीड़ से बुरी तरह से घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया। राजवीर जो अभी अभी वापस गया नहीं था, तुरंत कार से उतरता हुआ किरण को उस भीड़ से बचाने आता है, पर वे कई थे और राजवीर अकेला, इससे वे खुद उस भीड़ में बुरी तरह से फंस जाता है। इस सारा कुछ नजारा दूर खड़े अरुण की निगाह में जैसे ही आता है वे दौड़ता हुआ उधर आता है। पलक झपकते वे भीड़ को चीरता हुआ किरण को अपनी गिरफ्त में लेता उस भीड़ को पीछे की ओर ढकेलते कहने लगता, अब भीड़ को दूसरा मसाला मिल गया था जिसकी वे धड़ाधड़ तस्वीरें उतारने लगते हैं। किरण इससे बुरी तरह से घबराती हुई लगभग रुआसी उठी थी। अरुण के लिए इस तरह की मीडिया देखना कोई नई बात नहीं थी, पर हर बार उसकी सुरक्षा टीम का घेरा उसे ऐसे अनावश्यक लोगों से हमेशा बचा कर रखता था, लेकिन आज इस वक्त वह अकेला वहां था जिसका फायदा उठाते हुए सवाल करने और तस्वीरें लेने में लगे हुए थे। क्या इतना सब होने पर भी आपने इन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया? श्री राम ने भी अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी, क्या आपको अपनी पत्नी से नहीं जानना कि वे अब तक कहाँ थी और क्यों शादी की रात भाग गई? सवालों की तीर जहाँ किरण को बुरी तरह से सबकी नजरों में शर्मिंदा कर रहे थे, वहीं अरुण इससे बुरी तरह से तिलमिला उठा और उनके लगातार किशोर को शांत करने एकदम से चिल्ला पड़ा, शट अप। उसकी बुलंद आवाज से एकदम से वो शोर जैसे सहम जाता है और एक पल को वहां इतनी शांति छा जाती है कि अरुण के गुस्से में उफनती हुई सांसों का शोर वहां गूंजने लगता है। वे बुरी तरह से सबको घूर रहा था
और सारे मीडिया कर्मी उसी की ओर नजर गड़ाए थे। यहाँ तक कि मंदिर से निकलने जाने लोग भी अब वहीं खड़े हो गए थे। अरुण अभी भी किरण की बाह थामे उसे अपने पास समेटे था, तो वहीं किरण संकुचित हुई उसके पास नजरें झुकाए खड़ी थी। सारंगी और राजवीर भी हैरान अरुण को देखे जा रहे थे। अरुण अब तीखी नजरों से उन मीडिया कर्मियों को घूरते हुए कहने लगा, मुझे सिर्फ 5 मिनट थे अपनी बात कहने के लिए। अगर उसमें मैं अपनी बात आप सबको नहीं समझा पाया तो मैं तब तक यहाँ खड़ा रहूंगा जब तक आपके सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। बस 5 मिनट की शांति चाहिए मुझे। मीडिया कर्मी अब तक उसकी नजरों से कुछ दूरी बनाकर इकट्ठे होते हुए कहते हैं, ठीक है सर, हम भी चुपचाप आपको सुनेंगे, आप कहिए तो। एक रिपोर्टर की बात पर अरुण हाथ उठाकर उसे शांत करते हुए आगे कहता है, इस समय हमारी कंपनी बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रही है। हमारा सब कुछ एक तरह से दांव में लगा हुआ है। सिंपल भाषा में कहें तो किसी ने हमारी कंपनी को धोखे से हैक कर लिया है। पर फिर भी हार न मानते हुए हम दिन रात लगे हुए हैं अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए। पर आपको इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी दिलचस्पी तो तब बनती है जब कोई औंधे मुंह गिर जाता है। किसी की कोशिश आपके मीडिया की टीआरपी नहीं बढ़ाती, फिर उसमें क्यों दिलचस्पी लेंगे। अरुण अभी भी किरण का हाथ थामे आक्रोश देख कही जा रहा था, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में आप सबकी ज्यादा दिलचस्पी है। हाँ तो क्या जानना चाहते थे कि सीता की तरह किरण की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हुई, उसने खुद को सही साबित क्यों नहीं किया। सही प्रश्न किया। किरण अब कसमसाती हुई अपनी कलाई अरुण से छुड़ाने लगती है, पर वे अभी भी उसकी कलाई कस कर पकड़े हुए कही जा रहा था, हाँ तो ये आपने पूछा था ना। अरुण उस मीडिया की भीड़ में से एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहने लगता है, आपको देख कर लगता है आप 50 की उम्र के लगभग होंगे, तो आपकी खुद की बेटी जवान उम्र की होगी, नहीं तो आपके करीब की रिश्तेदारी में तो जरूर ही होगी। तो क्या तब भी उसके लिए आप इसी भाषा का प्रयोग करते, उससे ऐसे ही प्रश्न पूछते, उसे खुद को समझने का मौका देने के बजाय क्या उस पर आरोप लगाते जाते। अरुण जिस तरह चीखते हुए अपनी बात कह रहा था उससे वे अधेड़ रिपोर्टर खामोशी से अपना सर झुका लेता है। तब अरुण किसी लेडी रिपोर्टर की ओर संकेत करते हुए कहने लगता है, और तुम तो खुद एक यंग लेडी हो, तुमने ही पूछा था ना कि क्या अपने प्रेमी के साथ रही या प्रेमी पति से कहीं ज्यादा रिश्ता नहीं था। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल के सिलसिले में लड़कों के साथ तुम उठती बैठती होगी, तब लोग हर बार उस लड़के से तुम्हारा नाम नहीं जोड़ते होंगे, क्या हर बार तुमको खुद को साबित करने के लिए कटघरे में नहीं खड़ा करते होंगे, और तब बार बार खुद को सही साबित करते तुम्हारी जुबान थक नहीं जाती होगी, तब आखिर में तुम क्या करती थी, छोड़ देती थी ना। ऐसे लोगों को जिन्हें ये समझना जाना मुश्किल होता है कि हर लड़के के साथ बैठी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। अरुण के एक एक शब्द उसको असल जमीन दिखा रहे थे, जिससे वे सब नजरें नीचे किए उसके सामने खड़े रहे। वे आगे कहता रहा, कितना आसान होता है ना किसी भी लड़की पर लांछन लगा देना, पर किसने दिया आप सबको ये हक कि आप सीता से अग्नि परीक्षा कराएं, तब तक जब वे खुद उसके लिए मंजूरी ना दे। उसका सच साबित करने वाले आप कौन से ठेकेदार हैं। अगर किरण अपनी पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए उत्तरदायी है तो उतना ही उत्तरदायी मैं भी हूँ। पर समाज में लड़की सबके लिए हमेशा से आसान टारगेट होती है, क्यों है ना। अरुण अभी भी तीखी नजर से उन्हें घूरता हुआ कह रहा था, एक बार अपने घर की बेटी की तरह से देखिए और तब फिर से सवाल करिए अपना, ये तो बहुत ही सिंपल सी लड़की है, आप सबको अचानक देखकर घबरा गई और हो सकता है इसी घबराहट में अपनी भावना भी आपको व्यक्त कर देती, तब शायद आप उसमें भी कोई मसाला खबर ढूंढ निकालते। किरण अभी भी नजर नीचे किए आंसू बहा रही थी, पर अब उसने अपनी कलाई अरुण की पकड़ से छुड़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अरुण अब गहरा श्वास भरता हुआ कहता है, अब बस आखिरी बात, आपको अपनी मीडिया के लिए खबर चाहिए तो इसे बड़े बड़े अक्षर में छाप दे कि किरण अरुण दीवान की पत्नी थी, है और हमेशा रहेगी। बस मुझे यही कहना है, अब आप अपना सवाल कर सकते हैं। अरुण तन कर अभी भी उनके सामने खड़ा था, पर उन मीडिया कर्मियों के पास अब कोई सवाल नहीं थे। वे सभी चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख अरुण अब किरण की ओर देखता है, जो सहमी सी उसके बगल में खड़ी थी। अपनी बेख्याली का ख्याल आते वे उसकी कलाई छोड़ता हुआ कहता है, किरण तुम्हें इन सबसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, न इन्हें तुमसे सवाल करने का हक था, न तुम्हें इन्हें कोई जवाब देना, भूल जाओ इन्हें।
इस पर वे झट से नजर उठाकर अनु की ओर देखती है, जैसे अपनी भीगी पलकों से पूछ रही हो कि फिर किसे हक है मुझसे सवाल करने का। बिन शब्दों के ही वे उसका पन पढ़ता हुआ आगे कहता है, असल में किसी को हक नहीं है तुमसे कोई सवाल करने का, कोई जरूरत नहीं तुम्हें खुद को साबित करने की। जहां विश्वास होता है वहां शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, और देखा जाए तो असल कसूरवार तो मैं हूं। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मैं तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तो तुमसे जुदाई की सजा मुझे मिल रही है। किरण डबडबाई आंखों से उसे देखती रही। अरुण आगे कहता है, मैं तो यहां सिर्फ तुम्हें देखने के लोभ से आया था, क्या करूं ये मन नहीं माना, पर अब तुम्हारे मान सम्मान के लिए मुझे बाबूजी की मंजूरी की प्रतीक्षा रहेगी। जब तक वे मंजूरी नहीं देंगे मैं इंतजार करूंगा। किरण होठ दाबे अपने आंसू रोकने की भरसक कोशिश कर रही थी। अब अरुण राजवीर को देखता हुआ कहता है, जाओ राजवीर, ध्यान से घर वापस ले जाओ। अब कुछ और कहने सुनने का शेष नहीं रह गया था तो किरण चुपचाप राजवीर के पीछे पीछे चल देती है। तभी उसे अरुण की आवाज टोकती हुई कहती है, किरण बस एक बात याद रखना कि किसी को तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा। उस पल दो दिल में कितनी तड़प भर गई थी ये बस उन्हें ही खबर थी। कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि मिलकर भी दो दिल न मिल सके, लेकिन बस मन को यही सुकून था कि आज वे एक दूसरे के सामने कम से कम अजनबी की तरह तो नहीं थे। कार की ओर जाती हुई किरण एक बार पलट कर पीछे उन नजरों को दोबारा से जी भर देना चाहती थी, पर जो पता थी उसे ही देख रही होंगी। अरुण किरण को जाते हुए चुपचाप देख रहा था, तभी उसका ध्यान सारंगी की ओर जाता है जो कहीं खोई हुई सी उसे दिखी। वह टोकता हुआ पुकारता है तो वे एकाएक नजर अरुण की ओर तो दूसरी नजर जाती हुई किरण को देखती हुई कहने लगी, आप दोनों कभी अलग होते ही नहीं, अगर उस दिन वो दीदी का अपहरण नहीं करता और न दीदी पर इतना बड़ा इल्जाम ही आता। वो तो कैसे भी आपके पास पहुंच गई और वहां रहने लगी, लेकिन उस शख्स को इस गलती की सजा नहीं मिली, बस यही मलाल रह गया। सारंगी हथेली मलती हुई कहने लगी, पर उसे नहीं पता था कि ये सब सुनते ही अरुण के चेहरे की हाव भाव कुछ अलग हो गए थे। तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे तो बस नाम पता है, दीदी ने खुद मुझे बताया कि विवेक नाम के शख्स ने उनका अपहरण किया था, कितना बुरा इंसान था, बेचारी मेरी मासूम दीदी की जिंदगी खराब कर दी, अब भगवान उसे उसकी सजा देंगे। लाना देती वे कार की ओर तेज तेज कदमों से चल देती है, पर ये सब सुनते ही अरुण की आंखों में जैसे खून उतर आया। ये बात उसे समझते देर नहीं लगी कि वे किस विवेक की बात कर रही है, क्योंकि ये वही विवेक है जो लगातार उसके परिवार की जिंदगी में जबरन हलचल मचाए हुए था। अरुण भी अब तेजी से अपनी कार की तरफ चल देता है। किरण कार में बैठती हुई सारंगी की ओर देखती है जो उसी की ओर आ रही थी, पर किरण से उसे अरुण से बात करते देखा था पर उतनी दूर से वे उनकी बात सुन नहीं पाई थी। इसे कार में उसके बैठते ही आंखों उसकी मौन से उससे पूछती है, जिसे वे तपाक से बोल पड़ती है, जो आपको कहना था मैंने कह दिया, आखिर सारा सच उन्हें भी तो पता चले, जिसको देखो आप पर आरोप लगाता रहता है और वो असल मुजरिम जाने कहाँ आजाद घूमता फिरता होगा। तुम क्या कह रही हो सारंगी, किसके बारे में बता दिया? अरे वही विवेक, यही नाम तो आपने बताया था ना जिसने आपका अपहरण किया था, मैंने अरुण बाबू को उसका नाम बता दिया, अब देखना वो उसको जमीन से भी खोद कर खोज निकालेंगे। अभी सारंगी अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाई थी और किरण के होश पूरी तरह से बिखर गए। वे एकदम से उसे हिलाती ही विभर पड़ी, ये क्या कर दिया तुमने सारंगी, तुमने क्यों बता दिया ये, हे भगवान अब जाने क्या होगा, मेरा तो मन बुरी तरह से घबराने लगा है। अरे दी आप क्यों परेशान हो रही हो, और कौन है वो इतना खास, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? कौन? किरण की बिखरी हालत पर सारंगी में आती है पूछती, मेन कहना जिससे शादी की वो है विवेक, और तुम समझ रही हो इस सच के सामने आने से उसकी जिंदगी में इसका क्या फर्क पड़ेगा। ओ सारंगी ये तुमने क्यों किया, तुम क्यों नहीं समझी कि मैं क्यों चुप थी, अब जाने क्या होगा आगे, ये सोच सोच कर मेरा दिल दहला जा रहा है, मुझे पता नहीं था दीदी। किरण को इस तरह परेशान होते देख सारंगी को समझ आया कि सच में उससे कोई बड़ी भूल हो गई। दोनों कार के पीछे बैठी थी और ड्राइविंग सीट पर बैठा राजवीर स्टीयरिंग पकड़े उनके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था। किरण अब उसकी ओर देखती जल्दी से कहती है, राजवीर भैया अब बस तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो, ये जो हुआ जाकर प्लीज मेनका को बता देना, बाकी तो क्या आगे करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजवीर उस परिवार का सबसे विश्वस्त था और सब जानने के बाद बस हुक्म का पालन करना उसकी आदत थी।
किरण की बात पर वह भी उतनी ही तत्परता से जवाब देता है, जी आपको तुरंत छोड़ता हुआ मैं निकल जाऊंगा। कहता हुआ वह किरण के घर की ओर कार मोड़ लेता है। इस पूरे रास्ते किरण का मन जाने किन किन आशंकाओं से डूबा जा रहा था। आखिर क्या होने को है आगे? अरुण, विवेक, मेनका और किरण की जिंदगी में जानने के लिए सुनते रहे बेइंतहा सफर इश्क का। कहानी जारी है। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।